मेरा जो है आज का जो रिव्यू है जलनिधि क्रिया पे है। जलनिधि क्रिया अष्टांग योग में जो है आठ विधाएं होती हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान समाधि, तो नियम के अंतर्गत ये आता है। सत्कर्म या शोधन योग क्रिया एक ऐसी योग क्रिया योग अभ्यास है जो शरीर को शुद्ध करने में अहम भूमिका निभाता है। हठ योग के अनुसार शुद्ध क्रिया योग शरीर में समस्त जितने विकार हैं अशुद्धियाँ हैं विषैले तत्व हैं उनको दूर कर शरीर को बाहर निकालता है। उच्चतम योग साधना की दिशा में यह पहला चरण है। सत्कर्म के अनुसार छह प्रकार के सत्कर्म होते हैं, जैसे है धोती बस्ती नेति त्राटक नौली और कपालभाति। नीति के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे जल नीति है सूत नीति है दुग्ध नीति है घृत नीति है और तेल नीति है। तो आज जो जल नीति जो है सबसे सरल है, कोई भी इसे कर सकता है, मैं भी इसको अभी भी सीखा हूँ और इसके फायदे बहुत हैं। जैसे दिमाग की कोई समस्या हो, जैसे डिप्रेशन है स्ट्रेस है एंजाइटी है नींद ना आना बालों की समस्या है नज़ला है कफ है जुकाम है सर दर्द है आधे सिर का दर्द है और आज कल जैसे कोरोना हो रहा है तो उसमें जो है सांसों का जो है उसमें जो है फ़ायदा करता है, इसको करना चाहिए हफ्ते में कम से कम दो बार और खाली पेट करना चाहिए सुबह उठ के अच्छा रहता है। जैसे आप लोग ना दांत की सफाई करते हैं मसूर की सफाई करते हैं जीभ की सफाई करते हैं डेली करते हैं, लेकिन हम लोग जो है अंदर की जो है ना इसकी सफाई नहीं कर पाते। तो नीति क्या जल्दी में क्या होता है, हमारी जो आप ये नासिका की है सफाई रहती है, नासिका की सफाई से क्या होता है हमारी आँखों का ये कनेक्शन है कानों से, यहाँ से जो है दिमाग से होते हुए जो है नसें यहाँ दबी जाती हैं वहाँ से ब्रेक जाता है फेफड़े को जाता है, तो पूरा जो है सिस्टम है इसका। अगर आपकी नासिका साफ रहेंगी आपकी द्वार से रहेगा तो आपको जो है आपके फेफड़ों में जो है पूरी ऑक्सीजन अच्छी तरह आएगी, इसलिए इसको जो है बहुत करना बहुत जरूरी है। तो इसको मैं कुछ सावधानियाँ भी हैं और इसको मैं भी करके आपको दिखाऊँगा। इसके लिए क्या लेंगे हम ताम पत्र लेंगे ना, ये ताम आता है नीति ताम कहते हैं, तारे का होता है इसमें ऐसा बना होता है बाजार मिल जाता है, इसमें जो है आता ताम वार्म वाटर जो गुंदरा पानी इसमें जो है तो भर देंगे इसमें जो आप सहन कर सकते हो और इसमें चुटकी बाद जो है वो डाल देंगे नमक, ये नमक होता है सैदा नमक, ये डालते इसलिए हैं कि मतलब इसमें जो आपके दिमाग में ना जाए पानी, पानी आपके यहाँ से नीचे हुआ है। स्वास्थ्य का ऐसा होता है जैसे कि नहीं होता आपके आंसुओं का साथ है आंसू का जैसे आपके उसे का साथ होगा, अगर आपको तकलीफ है तो ऐसे बैठ के कर सकते हैं चौके बैठ के कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है खड़े होके या ऊपर बैठ के इसको ऐसे बैठ के कर सकते हैं। अब इसमें देखना यह है कि आप इसको कहाँ से डालते हैं, दाएँ से डालेंगे या बाएँ नासिका से डालेंगे, इसलिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा कौन सी नासिका आपकी चल रही है वो अंग हो जाता है। जैसे आपके जैसे मेरी दाएँ चल रही है तो मैं इसको दाएँ से इसको डालूँगा और डालने से पहले हम इसको नाक की जो है सफाई कर देंगे, कुछ इसमें कुछ फंसा है नहीं है तो उसके लिए हम जो है भस्ती कर देंगे। और इसमें मेन सावधानी ये है कि इसमें आप नाक से सांस नहीं लेंगे, सांस लेंगे मुंह से, मुंह आपका खुला रहेगा सांस का जो होगा वो मुंह से होगा नाक से होगा। और हल्का सा हम जो है इसको झुक के जैसे भाई दाई नासिक मेरी चल रही है तो मैं इसको दाई में लाऊंगा, पूरी चल जाती है परेशानी होती कुछ जैसे चाहे चलेगी मेरी जान। अब मैं मुंह से सांस लूँगा नाक से नहीं लूँगा, हल्का हल्का झुकाऊँगा बाई हो तो ये यहाँ से यहाँ को पानी आ जाए। देखिए
यहाँ पे अब जो रुका हुआ आपका जो है नाकमाई पर निकालना पड़ेगा। ये बदाएँ को सुबह बाएँ को आप जो है नाक की दवाई कर सकते हैं, जैसे आप जो है कबाब आदि कर सकते हैं। जो भी आपका जो नाक में जो पानी रुका होगा ये सब ठीक हो जाएगा। अब इसी तरह से हम जो है इसको बाएँ से दाएँ में करेंगे, इसको फिट करेंगे सर। कोई पानी ऊपर से आ जाएगा किसी को चिंता करने की बात नहीं है। उसको फिर हम वही दाएं और बाएं से पानी जो का है वो निकालेंगे। अब कपालभाति करेंगे। जितना भी आपका जो है नज़ला है कफ है जो गंदगी इसमें जो है रुकी हुई है ये सब इसमें साफ होते हैं। इतना आँखों की ज्योति जो है बढ़ेगी आपकी। सावधानी इसमें यह है कि एक तो आपको नाक से सांस नहीं लेनी है, सांस लेनी है मुंह, और पानी जो है बहुत गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा नमक ना हो, गुनगुना पानी हो, और जब नज़ला जुकाम ज़्यादा है कब ज़्यादा बन रहा है आपका तो उस दिन ये नहीं करना है। और वो ठंड में जाड़ी दिनों में उसको कम करना है, वो जो ठंड हो जाए जिस दिन ज़्यादा ठंड हो उस दिन ये क्रिया नहीं करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा सातवां वीडियो है। अगर आप ये आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सुझावों से मुझे अवगत कराइए। धन्यवाद।